नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अनुराधा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। साल का पहला दिन है, धूप बहुत अच्छी निकली है, इससे ठंड में बहुत राहत मिली है हमारे पौधों को भी और हमें भी। तो मौसम बहुत ही अच्छा रहा, 4 दिन बहुत अच्छी धूप रही। तो मैंने इन दिनों में क्या किया धूप निकलने पर, तो वही आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैंने अपने इंडोर प्लांट्स और जो मैंने शेडी प्लेस में रखे हुए थे उन सबको धो दिया है ताकि इन पर से धूल मिट्टी हट जाए और अगर कोई पेस्ट भी है तो वो भी हट जाए। और प्लांट्स के अंदर मैंने पानी नहीं डाला है, पत्ते धोने से जितना पानी इन्हें मिलना था उतना ही इन्हें मैंने दिया है। इनको मैं यहीं धूप में रखूंगी, सुबह सुबह की धूप बहुत अच्छी लग रही है और थोड़ा सा धूप हमारे प्लांट को लगनी भी चाहिए सुबह सुबह की। सुबह सुबह की लगाएं या फिर आप शाम की लगाएं, पर सर्दी का टाइम है तो मैं सुबह की धूप ज़्यादा अच्छी समझती हूँ। तो इनको मैं तब हटाऊंगी जब थोड़ा इनके पत्तों पे से पानी हट जाएगा, यानी कि शाम होते होते रख दूंगी इन्हें उस जगह पे जहाँ से ये मैंने उठाए हैं। मैंने अपने गुलदाउदी के पौधों को भी ऐसी जगह पे रख दिया है कि इन्हें सुबह और शाम की धूप लगे, बीच की धूप तेज़ धूप ना लगे, नहीं तो इनके फूल भी जल्दी से ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और इसमें मैंने लगा रखा है धनिया। और ये देखिए, ये मेरे सक्यूलेंट प्लांट्स हैं जो कि 2 महीने पहले मैंने खरीदे थे और इनको भी आज मैंने धूप में रखा है। सुबह सुबह की धूप मैं इनको दिखा रही हूँ क्योंकि 20 दिन से बहुत ठंड थी तो ये भी बेचारे ठिठुर रहे होंगे ठंड से, तो मैंने भी इन्हें धूप दिखा दी है और आज ही मैंने इनको दिया है थोड़ा सा पानी और फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र देने का तरीका जो है थोड़ा सा अलग है, ऊपर से मैं नहीं डालती हूँ, तो पानी के अंदर डिप करके एक बड़े बर्तन में टब में इनको रख देती हूँ। वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मैं अपने कलांचू के पौधों को भी इसी तरह से ही फर्टिलाइज़र देती हूँ, तो उसके अंदर ही मैं फर्टिलाइज़र मिला देती हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं टब ले लिया छोटा सा मैंने, उसमें ये 4 गमले रख दिए हैं और इस पानी के अंदर ही मैंने गाय के गोबर का जो फर्टिलाइज़र मैं बनाती हूँ कंडों का, वो मैंने इसमें मिला दिया है। प्लांट मिट्टी जो है धीरे धीरे पानी को सोखेगी और ऊपर तक जब पानी हमें मिट्टी नम नज़र आएगी तब इसका मतलब हमारे प्लांट ने प्लांट के अंदर पानी आ गया है प्लांटर के अंदर। तो फिर मैं इसे निकाल के अलग जगह पर रख दूंगी और फिर इसे हफ्ते 10 दिन 15 दिन जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इसको पानी दूंगी। जब इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख जाएगी तभी मैं अपने सकुलेंट प्लांट्स वगैरह को पानी देती हूँ। एक काम मैंने ये किया है कि अपने सभी प्लांट्स में गुड़ाई कर दी है, खरपतवार हटा दी है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। गुड़ाई करने से क्या होगा कि हमारी जो प्लांट की जड़ें हैं उसे मिलेगी धूप की रोशनी और धूप मिलेगी उससे उसे हवा मिलेगी, ताकि जो जड़ें हैं ठंड से कई बार रूट रॉटिंग हो जाती है इनमें भी, तो ये रूट रॉटिंग से बच जाएंगे और इनमें फंगस भी नहीं लगेगी। इसे गुड़ाई करके मैं एक दिन के लिए छोड़ दूंगी और अगले दिन मैं इसके अंदर जो खाद डालूंगी। तो इसको मैंने गुड़ाई करके छोड़ दिया है और इसी तरह से मैंने और गमलों को भी गुड़ाई की है। ये मेरा फर्टिलाइज़र बिल्कुल तैयार है, 2-3 दिन पहले ही मैंने पानी में डिप करके रखा हुआ था सरसों की खली को, उसमें पानी ऐड किया है मैंने और अब मैं अपने इन प्लांटों को थोड़ा थोड़ा दे दूंगी। मैंने इन फर्टिलाइज़र के अंदर, लिक्विड फर्टिलाइज़र के अंदर बायो एंजाइम भी बना कर डाल रखे हैं, तो वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। तो जो भी पुराने फूल हैं, जो सूख गए हैं फूल वो, और जो पुराने हो गए हैं उन सबको आप अपने प्लांट्स पर से हटा दीजिए। मैंने भी हटा दिए हैं ये, तो इससे क्या होता है कि जो प्लांट है वो न्यू ग्रोथ करने में अपनी एनर्जी लगाता है, नहीं तो ये सूखे फूल पुराने फूल प्लांट से एनर्जी लेते रहते हैं। तो इसी तरह से ही मैंने अपने सभी प्लांट्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा काम किया है और इन सब के ऊपर फंजीसाइड का स्प्रे किया है। मैंने 1 लीटर पानी के अंदर आधा चम्मच फंजीसाइड अच्छे से घोल लिया और 2 बजे के बाद आप डाल दीजिए या फिर सुबह सुबह डाल दीजिए। तो मैंने फंजीसाइड का जो घोल था वो मैंने सुबह ही सुबह अपने प्लांट्स के ऊपर डाल दिया, क्योंकि कोई भी आप पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो आप वो या तो सुबह यूज़ कीजिए एकदम
सूरज निकलने से पहले पहले या फिर सूरज ढलने के बाद, क्योंकि सर्दियां हैं तो मैंने शाम को नहीं डाला। और जो भी प्लांट हैं उन्हें आप थोड़ी थोड़ी सी केयर कर लीजिए, मैंने भी कर ली है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह से अपने पौधों का ध्यान रखें। अगली वीडियो पर फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।